नमस्कार, आप देख रहे हैं namoformedia.com। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चलाई गोली। आपको बता दें कि मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बसारी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव में गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे चिकित्सकों ने झांसी रेफर कर दिया। तो वहीं जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बसारी निवासी संजीव शर्मा पुत्र गणेश प्रसाद ने बताया कि बुधवार की शाम जब वह अपने साले आशीष तिवारी निवासी ककरवई के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी अचानक बाइक पर सवार होकर तीन लोग आए और उस पर फायरिंग करना शुरू कर दी, लेकिन गोली उसे न लगकर उसके साले आशीष को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा घटना को अंजाम देकर बाइक सवार मौके से भाग निकले तथा गंभीर अवस्था में आशीष को आनन फानन में मऊरानीपुर के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और घटना की सूचना मऊरानीपुर पुलिस को दी। तो मौके पर पहुंचे मऊरानीपुर पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि उक्त घटना में घायल युवक को प्राथमिक उपचार चल रहा है तथा तहरीर आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा। क्या घटना हुई है इनके साथ में? गोली गली है। कैसे, कहाँ पे आए? बैठे थे, दरवाजे पे बैठे थे। अच्छा, तो वहाँ पे आके उसने। किस बात को लेके ये विवाद हुआ? अब बात पुरानी रंजिश थी क्या? हाँ, पुरानी रंजिश थी। क्या मामला था? एक मुकदमा चल रहा है उसको लेके, दबाव बना रहे थे जी। अब दबाव बाबू वो तो दारू खोरा है। अब घटना कितने बजे की है? घटना 7 बजे के आसपास की। 7 बजे के जी, जी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? अब पुलिस का अभी तो हम इलाज के लिए आए हैं, पुलिस तक तो अभी थाने। सर, क्या घटना हुई है अभी? अभी यह सूचना मिली है कि बसारी गांव रानीपुर चौकी के अंतर्गत आता है, वहां पर संजीव शर्मा कॉलर हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि उनके साले साहब को गोली मार दिया किसी ने, आशीष शर्मा उनका नाम, आशीष तिवारी नाम है उनका, तो गोली मारती है, पीछे से मारी थी लेकिन भागते हुए उन्होंने एक व्यक्ति को देखा था, तो गोली लगते ही फिर हमारी पुलिस पहुंची है वहां पर और उनको लेकर आई अस्पताल में इलाज कराया। घटना की वजह क्या बताई गई है? घटना की वजह एक पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है, लेकिन इस बीच में कोई इनके द्वारा ऐसा बताया नहीं गया कि कहीं कोई लड़ाई हुई हो या कोई विवाद रहा हो। पुरानी रंजिश का एक मामला 2012 का जरूर बताया इन्होंने, जिसका जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा था, उसके मद्देनज़र भी हो सकता है विवेचना चल रही है, अभी देखते हैं, जांच करवाते हैं, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।